Welcome to another episode of Stammering Solution. My name is Galaxy and in this video, I'm going to speak about how you can reduce your tension of stammering. कि जब तुम्हें stammering हो रही है, जब तुम्हें failure face करने हो रहे हैं, at that time जो tension होता है, उसको कैसे reduce करना है? I will try to figure out some of the things that really works तुम्हारा tension reduce करने के लिए. I will talk from a practical perspective, कुछ meditation वगैरह ऐसा कुछ मतलब magic वगैरह नहीं बताने वाला, कुछ practical चीज़ें जो really work करती है in reducing your tension, मैं उनको mention करूँगा इस particular video में. So, first thing is that I have been through all of these things in my life and still, मुझे अभी भी काफ़ी time tension हो जाता है because of my stammering. But still, I am working on it and मैंने कुछ चीज़ें अपने आप में ऑब्जर्व करी है, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व करी है जो रियली वर्क करती है. इन कुछ चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, पहली चीज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, कि एवरीथिंग हैपन्स इन योर माइंड. एवरीथिंग हैपन्स इन योर माइंड. सपोज समवन मतलब कोई मेरे सामने आ रहा है और मुझे बोल रहा है दैट यू आर अ स्टटरर एंड यू वोंट बी एबल टू सक्सीड इन योर लाइफ. उसने मुझे बोल दिया और वो चले गया. नाउ इट डिपेंड्स ऑन मी हाउ आई टेक दिस मैसेज. इफ आई टेक दिस मैसेज सीरियसली देन आई विल गेट टेंशन एंड दैट टेंशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी इन एनी वे, राइट? बट वो आया, मुझे बोल दिया, मैंने उसका मैसेज लिया, चल जाने दे, कोई दिक्कत नहीं है, निकल 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 निकल. सो अब मैं उस मैसेज को सुना और निकाल दिया कान से बाहर, ठीक है? उसका मैंने टेंशन नहीं लिया बिकॉज उसका कोई रोल ही नहीं है मेरी स्टैमरिंग को ठीक करने में. सो मैं उसको क्यों लूँ? कहीं मैं उसको लूँगा सीरियसली देन मेरा टेंशन बढ़ जाएगा. एज सिंपल एज दैट. सो इस चीज़ से सीखने को क्या मिल रहा है कि एवरीथिंग हैपन्स इन योर माइंड. कुछ भी होता है, ठीक है, इट्स नॉट समथिंग कि कोई बाहर की चीज़ तो हमें टेंशन दे रही है. इट्स योर ओन थॉट प्रोसेस दैट इज गिविंग यू टेंशन, ठीक है? कुछ होता है तुम्हारी लाइफ में, सो तुम उसके बारे में सोचते हो, इसलिए टेंशन होता है, ना कि कुछ होने के कारण तुम्हें टेंशन हो रहा है. सो कहीं टेंशन हो रहा है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टेंशन ओनली. तुम्हारा माइंड रिस्पॉन्सिबल है. पहली चीज ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो एवरीथिंग हैपन्स इन योर माइंड. नाउ आई विल टॉक अबाउट थ्री थिंग्स दैट रियली वर्क्स इन रिड्यूसिंग योर टेंशन. और ये प्रैक्टिकल चीज़ है, सो इन पे अपन लोग बात करेंगे. फर्स्ट इज प्रैक्टिस. एंड प्रैक्टिस क्यों? बिकॉज तुमने काफ़ी टाइम ये ऑब्जर्व किया होगा. सपोज तुम किसी दिन अच्छा बोलते हो, स्टैमरिंग कम होती है, देन ऑटोमेटिकली तुम्हें टेंशन जो है नहीं होता, कम होता है. जो पहले हो रहा था उससे कम हो जाता है. क्यों? बिकॉज तुम एक्चुअली में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, दैट्स इट. सो इफ यू विल डू प्रैक्टिस यू विल बिकम परफेक्ट एंड यू विल बिकम परफेक्ट. लाइक व्हेन यू विल बिकम परफेक्ट यू विल बिकम लेस फियरफुल. तुम्हें तुम्हारे पास टेंशन कम होगा. सो जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम परफेक्ट बनोगे. उतना तुम परफेक्ट बनोगे उतना ही तुम टेंशन कम लोगे. आई एम नॉट सेइंग कि जो टेंशन है वो कम्प्लीटली चले जाएगा, बट वो काफ़ी कम हो जाएगा. सो प्रैक्टिस इज मस्ट. प्रैक्टिस करना कभी मत छोड़ना. इसका एक और एग्जांपल देता हूँ. अभी 4-5 दिनों से मैंने कोई रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं करे, ठीक है? एंड ऑल्सो मैं प्रैक्टिस काफ़ी कम कर रहा था. सो बिकॉज ऑफ दैट मुझे अभी आज मॉर्निंग में काफ़ी टेंशन हो गया कि स्टैमरिंग क्यों हो रही है ये वगैरह. एंड इट्स नॉट लाइक कि मतलब कोई सेकेंड इंडिविजुअल ने आके मुझे टेंशन दिया. इट्स बिकॉज मैंने 4-5 दिन से प्रैक्टिस नहीं की. मैंने ऑनेस्टली अपने आप पे वर्क नहीं किया. दैट्स वाई मेरे पे खुद टेंशन बढ़ने लगा. सो इट्स एज सिंपल एज दैट कि जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम परफेक्ट बनोगे. और वही जो परफेक्शन है, जो एक्सटेंट ऑफ परफेक्शन है, वही तुम्हारी स्टैमरिंग को रिड्यूस करेगा. जितना ज़्यादा तुम परफेक्ट बनोगे तुम्हें उतना फील बेटर होगा. फील बेटर होगा तुम्हारी जो टेंशन है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा. सेकेंड चीज इज एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस इज मस्ट. बिकॉज हम लोग क्या करते हैं ना, कभी ये एक्सेप्ट नहीं करते कि एक्चुअली में मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम. वी ऑलवेज ट्राई टू हाइड इट. वी ऑलवेज ट्राई टू शो समवन के मैं परफेक्ट बोलता हूँ. एंड बिकॉज ऑफ दैट तुम परफेक्टली नहीं बोल पाते, इसलिए तुम्हें टेंशन होता है. तो मैं इसका जस्ट अपोजिट करना है. यू हैव टू ट्राई कि मतलब मैं स्टैमरिंग करता हूँ, उनको प्रूव करना है.
इज एज सिंपल एज दैट, जो हो वो एक्सेप्ट करो तो टेंशन कम होगा, ठीक है. सेकंड थिंग वाज एक्सेप्टेंस. थर्ड इज सोशल इंट्रैक्शन. सोशल इंट्रैक्शन इज मस्ट. सपोज जब भी तुम्हें फेलियर होता है बिकॉज ऑफ यूर स्टैमरिंग, कभी उसके कारण तुम्हें टेंशन होना स्टार्ट हो जाता है और तुम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है. यही तुम्हें नहीं करना है, अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है. टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक विथ योर फ्रेंड्स. सो भले ही तुम उस टाइम में स्टैमरिंग करोगे ना, बट यू विल फील बेटर. एक सोशल इंट्रैक्शन इज इम्पॉर्टेंट. डोंट आइसोलेट यूर सेल्फ बिकॉज ऑफ यूर फेलियर्स जो तुम्हें स्टैमरिंग में हो रहे हैं. डोंट आइसोलेट यूर सेल्फ, ठीक है. सो तीन चीज़ें थी जो वर्क करती है एक्चुअली. पहला इज प्रैक्टिस, जो कि फंडामेंटल थिंग है. सेकेंड इज एक्सेप्टेंस. थर्ड इज सोशल इंट्रैक्शन. ये प्राइमरी चीज़ है जो तुम्हारा टेंशन बहुत हद तक रिड्यूस कर देंगी, ठीक है. नाउ आई विल टॉक अबाउट सम ऑफ द सेकेंडरी थिंग्स जिसका कुछ इम्पैक्ट होता है तुम्हारे टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है. इसमें पहली चीज़ है फिजिकल वर्कआउट. दिस इज़ अ वेल नोन फैक्ट कि जब भी तुम फिजिकल वर्कआउट करते हो तुम्हारा टेंशन वगैरह, तुम फिजिकली फिट होते हो, तुम मेंटली फिट होते हो, तुम मेंटली स्ट्रांग होते हो, तुम्हारी लाइक जो ओवरऑल एक्टिविटी होती है वो सही हो जाती है. दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज दैट, सेकेंड इज मेडिटेशन. मेडिटेशन इज अ साइंस और वो तगड़ी साइंस है. मतलब तुम्हारा माइंड हिला के रख देंगी, वो एक ऐसी साइंस है, राइट. सो जिनको मेडिटेशन का नॉलेज नहीं है, लो नॉलेज, ठीक है, ट्राई करो मेडिटेशन करने के लिए. वो तुम्हारी जो टेंशन, जिस तरीके से तुम अपनी हाई लाइफ को हैंडल करते हो, थोड़ा जो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है वो चेंज कर सकती है. सो मेडिटेशन इज द सेकंड थिंग दैट यू कैन डू. सो ये थी कुछ चार पांच चीज़ें जो मुझे लगी कि इम्पॉर्टेंट है और तुम्हारी जो टेंशन होता है स्टैमरिंग का वो रिड्यूस कर सकती है. सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. जो मैंने स्टार्टिंग की तीन फंडामेंटल चीज़ें बताई है, प्राइमरी चीज़ बताई है. फर्स्ट इज क्या था, फर्स्ट ये था प्रैक्टिस. सेकंड क्या था, एक्सेप्टेंस. थर्ड इज सोशल इंट्रैक्शन, ये मस्ट है. तीन चीज़ फॉलो करोगे काफ़ी हद तक तुम्हारा टेंशन रिड्यूस हो जाएगा. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. दिस इज गैलेक्सी फ्रॉम स्टैमरिंग सॉल्यूशन. एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन अबाउट योर स्टैमरिंग, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज 9644354315.